मामले को जिला पंचायत की तरफ से अपने सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस मौके पर आए हुए सभी गांव के प्रभुजनों को सादर नमन करता हूं। मेरे साथ मंच पर फूलपुर के सांसद जो बेहद ही विनम्र हैं और अगर मैं भारतवर्ष के सभी सांसदों को तो नहीं जानता लेकिन उत्तर प्रदेश के सांसदों में सबसे निश्चल और सबसे सिंपल अगर अवार्ड जाएगा तो प्रवीण पटेल जी को जाएगा। जैसा सामने वैसे पीछे, राजनीति में ऐसा बहुत कम मिलता है, वह इनकी विशेषता है, सिंपल मैन। और साथ में आदरणीय सुरेश त्रिपाठी जी पूर्व विधायक हैं, जब यहाँ आता हूँ इनसे मिलता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जब आदरणीय पिताजी 91 में आपके यहाँ लोकसभा लड़े थे तो देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, सुरेश जी बैठे हुए, इन्होंने बूथ कैप्चर किया तो उसमें बूथ कैप्चर में बहुत क्रेज होता था और मैं उसको नहीं उतार पाया इनके इलेक्शन में क्योंकि मैं पार्टी से बंधा हुआ था। इतने कम दिनों से मैंने नेतागिरी सीखी थी, मैं छल भी नहीं कर पाया तो वहाँ नुकसान थोड़ा हो गया, वह नुकसान की भरपाई ईश्वर करे मुझको ऐसा चांस मिले। प्रवीण जी से भी रिक्वेस्ट है कि सुरेश जी को एक ओहदा उससे बड़ा मिले और यही मेरी शुभकामना। अश्विनी द्विवेदी जी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं राजनीतिक करियर में, आप सभी लोगों को